नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और आपका स्वागत है मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे होलकर परिवार के एक ऐसे सदस्य की जिनकी आभा सुबेदार मल्हार राव होलकर और पुण्यश्लोक अहिल्याबाई के तेज के सामने कभी लोगों को नजर ही नहीं आई, और यदि नजर आए भी तो मात्र उन्हें होलकर परिवार के एक वफादार सदस्य के रूप में ही उन्हें याद किया गया, उनका जिक्र किया गया। तो दोस्तों, आज हम विस्तार से और पूरी गहराई में जाकर चर्चा करेंगे अफगानिस्तान की सीमा अटक से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक अपनी घोड़े के टापों से नाप देने वाले वीर योद्धा तुकोजी राव होलकर की, जिन्हें हम तुकोजी बाऊजी या फिर तुकोजी बाबा के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, तुकोजी राव होलकर जी का जन्म 26 जून सन 1723 का माना जाता है। तुकोजी बाऊजी मल्हार सरकार के दादाजी के भाई की चौथी पीढ़ी से आते थे, यानी कि मल्हार सरकार और उनका रिश्ता काका बाबा का था। इनके पिता का नाम था तानोजी होलकर। और दोस्तों, तुकोजी बाऊजी की दो पत्नियां थीं। पहली पत्नी जिनको हम जानते हैं, उनका नाम था रखमाबाई होलकर, जो कि बहुत ही सुंदर एवं बहुत ही चतुर महिला थी। और दोस्तों, इनसे इन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। बड़े बेटे का नाम था काशीराव और दूसरे बेटे का नाम था मल्हारबा, जो कि मल्हार सरकार के ऊपर ही रखा गया था। दोस्तों, दूसरी पत्नी का नाम था इनका राधाबाई, जिनसे इन्हें दो पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इनसे भी इन्हें दो पुत्र हुए थे, जिसमें एक बेटे का नाम मिठोजी और दूसरे बेटे का नाम था यशवंत राव होलकर। तो दोस्तों, यदि बात की जाए तुकोजी होलकर की, तो इनका होलकर परिवार एवं राजशाही में क्या स्थान था, क्या महत्व था? तो दोस्तों, इनका रुतबा समय गुजरने के साथ लगातार बढ़ता ही गया। युवराज खंडेरा होलकर की मृत्यु के पश्चात इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई थी। और दोस्तों, बाद में जब मल्हार सरकार की मृत्यु हुई एवं उसके बाद नवनियुक्त सूबेदार और माँ अहिल्या के पुत्र मालेराव की जब मृत्यु हो जाती है, तो होलकर परिवार में सबसे काबिल पुरुष यही बचे थे, तो इनका महत्व उस समय काफी बढ़ जाता है। दोस्तों, माँ अहिल्या और तुकोजी बाऊजी दोनों ने मिलकर मालवा प्रांत की जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया था। ऐसा कहा जाता है कि मल्हार सरकार ने तुकोजी बाऊजी को गोद लिया था, परंतु इसके कोई दस्तावेज आज मौजूद नहीं है। और यदि ऐसा होता तो मालेराव से पहले या मालेराव की मृत्यु के बाद तो निश्चित ही मालवा का सूबेदार तुकोजी बाऊजी को बना दिया गया होता, परंतु दोस्तों ऐसा हुआ नहीं था। और जब राघोपा दादा ने महेश्वर पर चढ़ाई की योजना भी बनाई थी, तब माँ अहिल्या ने अपने राज्य की रक्षा के लिए पेशवा माधव राव को पत्र जो लिखा था, उसमें उन्होंने तुकोजी बाऊजी के लिए एक उचित पद की मांग की थी, ना कि उनके लिए सूबेदारी की मांग की थी। दोस्तों, माँ अहिल्या और तुकोजी बाऊजी दोनों ने जिम्मेदारियां कुछ इस तरह से बांटी थी कि राज्य का खजाना यानी कि जो वित्त व्यवस्था थी वह संभालेंगी माँ अहिल्या, और दोस्तों दूसरी ओर सेना की जो जिम्मेदारी है, राज्य की रक्षा की जो जिम्मेदारी है, विस्तार की जो जिम्मेदारी है, वह संभालेंगे तुकोजी बाऊजी। तुकोजी बाऊजी को अपने पूरे जीवन काल में सदा इस बात का आभार रहा, वह सदा इस बात के आभारी रहे कि मल्हार सरकार और माँ अहिल्या ने उन्हें मालवा जैसे इतने बड़े और इतने संपन्न प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, माँ अहिल्या चाहती तो अपनी बेटी के जो बेटी थी उनकी मुक्ताबाई, उनके पति यशवंत राव फणसे जो कि एक बहुत ही वीर पुरुष थे, या फिर अपने नाती धोंडीबा को गोद लेकर उन्हें सूबेदार बनवा सकती थी, परंतु माँ अहिल्या को तुकोजी बाऊजी की होलकर राज्य के प्रति निष्ठा जो थी, उस पर उन्हें रत्ती भर भी संदेह नहीं था। दोस्तों, यूं तो तुकोजी बाऊजी और माँ अहिल्या दोनों हम उम्र ही थे, बस एक दो साल का फर्क रहा होगा दोनों में। तुकोजी बाऊजी ने माँ अहिल्या को फिर भी बहुत सम्मान दिया, उन्हें माँ का दर्जा, बड़ी बहन का, भाभी का, आप जो भी कह लीजिए, उन्होंने बहुत हमेशा माँ अहिल्या को बहुत सम्मान दिया। और कभी भी जैसे कि राजनीति में होता है कि एक को हटा के खुद राजगद्दी पे बैठ जाओ, उन्होंने कभी भी माँ अहिल्या को हटाकर मालवा की गद्दी का सर्वे सर्वा बनने के बारे में कभी सोचा भी नहीं। प्रयत्न करना तो दूर की बात है। हाँ, माँ अहिल्या और तुकोजी बाऊजी के मध्य शुरुआत से लेके जीवन के अंत तक पैसों के लेन देन को लेकर थोड़ा बहुत विवाद रहा, और यह विवाद कभी कभी तो बहुत बढ़ भी जाता था।
तो दोस्तों हुआ कुछ यूं कि मल्हार सरकार अपने पीछे मालवा के खजाने को भरा पूरा छोड़ के गए थे। वह अपनी युद्ध की मुहिम से प्राप्त धन से इसे भरा करते थे, परंतु जो हमारे तुकोजी बाबा थे अब वह मल्हार सरकार जितने काबिल तो थे नहीं। अक्सर मुहिम पर धन की जरूरत उन्हें पड़ती थी और साथ ही हिसाब किताब के वह थोड़े से कच्चे थे, जिसके कारण उनके आसपास के लोग उनका फायदा उठा लिया करते थे और अंत में उन्हें माँ अहिल्या से इसके लिए काफी सुनना पड़ता था, काफी डांट खानी पड़ती थी उन्हें माँ अहिल्या की कि आप अपने हिसाब को ठीक रखिए, इसमें कुछ गड़बड़ है। और जब भी तुकोजी बाऊजी से पैसों की मांग होती थी तो अक्सर माँ अहिल्या उन्हें पैसों के लिए मना ही कर देती थी। वह कहती थी कि आप इस युद्ध का मुहिम का खर्चा या तो पेशवा से मांगिए या फिर खुद ही इसको वहन कीजिए, अपनी खुद की निजी संपत्ति या फिर जिस इलाके में आप है वहीं से वसूल करके। तो दोस्तों इस तरह की कुछ बैलेंस था अहिल्याबाई और तुकोजी बाऊजी के बीच में। अब दोस्तों जो पेशवा थे और उस समय के उत्तर भारत के एक और बहुत बड़े शक्तिशाली सरदार थे महादजी शिंदे और फिर सिंधिया, उन्होंने भी माँ अहिल्या और तुकोजी बाऊजी के मध्य पैसों को लेकर, पैसों के बंटवारे को लेकर, राज्य की शक्तियों के बंटवारे को लेकर एक सहमति बनाने की कोशिश की, परंतु वह दोनों भी सफल नहीं हो पाए थे। यहाँ पर महादजी और तुकोजी और माँ अहिल्या, इन तीनों के बीच के इक्वेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य की यह तीन प्रमुख शक्तियां थी, तीन प्रमुख हस्तियां थी। तो दोस्तों जो अब दोस्तों महादजी शिंदे के बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बाद उत्तर भारत में शिंदे कुल में सिर्फ महादजी ही बचे थे और मल्हार सरकार उन्हें बेटे के समान स्नेह एवं संरक्षण दिया था मल्हार राव होलकर ने उन्हें। और कहा जाता है कि मृत्यु के समय यह मल्हार राव होलकर जी के मृत्युशैया के पास में ही मौजूद थे और तब सरकार ने उनसे यह वादा लिया था कि आप मालवा प्रांत की रक्षा करोगे, अहिल्या की रक्षा करोगे और उत्तर भारत में मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने में महादजी सिंधिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है तुकोजी बाऊजी के साथ ही। और तुकोजी बाऊजी के साथ दोनों ने शुरुआत में जब इनको मौका मिला तो दोनों ने साथ में मिलके काफी युद्ध की मुहिम जीती और उत्तर भारत में लोग समझ रहे थे कि मराठा शक्ति अब खत्म हो गई है, इन दोनों ने वापस से उसको स्थापित करके दिखाया। दोस्तों इनके शुरुआत में संबंध काफी अच्छे रहे, युद्ध की मुहिमों पर भी एक साथ रहे। माँ अहिल्या भी महादजी के पराक्रम पर बहुत गर्व करती थी, पर जैसे जैसे महादजी अपने पराक्रम एवं महत्वाकांक्षा के दम पर शक्तिशाली होते गए, तुकोजी बाऊजी और माँ अहिल्या से उनके संबंध लगातार बिगड़ते चले गए और अंततः होलकर और शिंदे के मध्य दुर्भाग्य, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य था कि 28 मई सन 1793 में लाखेरी का एक युद्ध होता है और अब सबको दिखने लग गया था कि मराठों में फूट पड़ चुकी है और इस युद्ध में शुरुआती जीत के बाद होलकरों की हार होती है। दोस्तों इस युद्ध में तुकोजी बाऊजी तो युद्ध के मोर्चे पे थे, उनका जो लड़का था मल्हार बा वो भी युद्ध के मोर्चे पे था, परंतु यहाँ पे महादजी पुणे में मौजूद थे, पर फिर भी उनकी सेना जीत गई थी क्योंकि उनके सरदार ज्यादा शक्तिशाली थे। इस बात में तो कोई शक नहीं था कि तुकोजी बाऊजी से ज्यादा काबिल थे हमारे महादजी शिंदे। और दोस्तों एक और रोचक बात थी इस युद्ध के बारे में कि दोनों की ही सेना का नेतृत्व कोई मराठा नहीं कर रहा था, बल्कि फ्रेंच ऑफिसर इनके सेना का नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि मराठे की यह योजना थी कि अंग्रेजों से यदि अपने को लड़ना है तो अपने को उन्हीं की युद्ध नीति अपनानी पड़ेगी, यूरोपीय युद्ध नीति, इसलिए उन्होंने फ्रेंच की मदद ली थी। परंतु दोस्तों आप ये मत समझ लेना कि तुकोजी बाऊजी ने अपने मिलिट्री करियर में, अपने सैनिक करियर में कोई उपलब्धि हासिल ही नहीं की। दोस्तों इनका मिलिट्री करियर बड़ा ही गौरवशाली रहा, वह भारत के उन सेना नायकों में से थे जिन्होंने पूरी दुनिया का, जिसे सबसे खतरनाक फ्रंटियर कहा जाता है, यानी कि बड़े बड़े जहाँ पे साम्राज्य नष्ट हो गए, उन्होंने ऐसी जगह यानी कि भारत अफगानिस्तान की सीमा पे जाके उनके किले, पठानों के किले अटक को जीता और वहां पर भगवा झंडा लहराया और वहां पे टिके भी रहे 1.5-2 साल तक। उन्होंने उस पोस्ट को कायम रखा लगातार पठानों से लड़ते हुए और उसको तभी छोड़ा जब उन्हें वापस बुलाया गया दत्ताजी शिंदे की मदद के लिए। दोस्तों पानीपत के युद्ध में भी
आम मराठा नागरिकों को मैदान से सुरक्षित निकालकर वापस लाने में इनका एक बहुत बड़ा हाथ था। सन 1786 में टीपू सुल्तान के खिलाफ जो मराठों का युद्ध हुआ था उसमें भी इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इनका अनुभव वहां पर बहुत काम आया था। वो दोस्तों जब अंग्रेज भारत में पैर पसार रहे थे तो मराठों की दीवार उनके सामने खड़ी हो गई थी। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में तुकोजी बावजी और महाजी शिंदे ने साथ में मिलकर अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे और यह अंग्रेजों के भारत में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा शर्मनाक हार थी। सन 1795 में खरड़े का युद्ध जिसमें तुकोजी बाबा ही मराठा साम्राज्य के अभी बचे हुए सबसे अनुभवी सिपाही सालार थे जो कि नाना फडणवीस के पास मौजूद थे। अब दोस्तों यह आखिरी युद्ध था जिसमें मराठे एक होकर लड़े थे। मराठों के सारे सरदार एक होकर लड़े थे हैदराबाद के निजाम के खिलाफ। इसके बाद कभी भी कोई ऐसा युद्ध देखने को नहीं मिला जिसमें मराठों ने वही शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा को याद करके एक होकर लड़े हो। सभी अपने स्वार्थ के पीछे पागल हो गए थे और इसी के कारण मराठा शक्ति कमजोर हुई थी। दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नाना फडणवीस के द्वारा राघोपा दादा के जो घृणित कार्य उन्होंने किया था शनिवार वाड़े में, अपने ही भतीजे की उन्होंने जो हत्या करवाई थी उसके खिलाफ उसे न्याय दिलाने के लिए जो बाराबाई कारस्थान बनाया गया था नाना फडणवीस के द्वारा, उसके एक सदस्य 12 लोगों में से एक सदस्य तुकोजी बावजी भी थे। तो यानी कि उनका कद मराठा साम्राज्य में बहुत बड़ा था, इसमें कोई संदेह नहीं। दोस्तों तुकोजी बावजी के अपनी पत्नी रखमाबाई के साथ संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहे जिसकी चर्चा हमने रखमाबाई वाले वीडियो में विस्तार से की थी। इसका भी कारण उनका हिसाब किताब में कमजोर होना था और जिसके कारण उन्हें लगता था कि उनका जो दीवान है नारो गणेश वह हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी कर रहा है और बाद में उन्होंने तंग आकर नारो गणेश को मृत्युदंड भी दे दिया था। दोस्तों अपने जीवन के अंतिम वर्षों में माँ अहिल्या की जब सभी पुराने रिश्तेदार एक एक करके उनकी आगे की पीढ़ी और पीछे की पीढ़ी जब माँ अहिल्या को सभी लोग छोड़ के चले गए थे तो बचे थे बस तुकोजी बावजी ही उनके साथ में। दोनों अपने बीच के सारे मतभेद पैसों के लेन देन को भिलाकर आपस में एक दूसरे से अपने दुख सुख पुराने दिनों की यादें साझा किया करते थे। और दोस्तों 13 अगस्त सन 1795 में जब 70 वर्ष की आयु में पुण्यश्लोक माँ अहिल्याबाई होलकर का स्वर्गवास हो जाता है जिसके बाद तुकोजी बाबा को चलो सूबेदार उनको तब बना दिया जाता है, परंतु दोस्तों अब वह भी काफी वृद्ध हो चुके थे और उनका भी शरीर जवाब दे रहा था, वह मन से भी काफी हारे हुए थे। और दोस्तों 15 अगस्त सन 1797 में 74 वर्ष की आयु में उनका भी निधन हो जाता है। उनके बाद मालवा की गद्दी पर तुकोजी बावजी की इच्छा के अनुसार उनके बड़े बेटे काशीराव को बिठाया जाता है, पर काशीराव भी दिमागी रूप से थोड़े कमजोर होते हैं, इतने बुद्धिमान नहीं होते हैं। और इसके बाद में उनके बेटों के बीच में उनके जो चारों बेटे रहते हैं उनके बीच में सत्ता की जो गद्दी है इसको लेके संघर्ष शुरू हो जाता है और इस संघर्ष में एंट्री होती है दौलतराव सिंधिया की जो कि महाजी सिंधिया के वारिस थे। दोस्तों बड़ा ही मुकाबला होता है इनके बीच में, तो कौन जीतता है इस मुकाबले को आखिरी में, कौन जीता है इस संघर्ष में सत्ता के, दोस्तों जानेंगे मालवा डायरी के आने वाले वीडियोज में। तब तक बने रहिएगा मालवा डायरी हिस्ट्री के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।